Greetings of the day. Welcome to the knowledge mint. So, students, today we are going to discuss PL SQL procedure and function, right? And I hope you must have learned some of the languages. If not, there is no problem. Suppose you have learned C language, you must be aware of function. Similarly, you, if you have learned about any language like Java, C, C, or any other language, and you will be able to understand the idea or the concept behind procedure and function very easily. Some of the university exams you may be asked, like, discuss PL SQL procedure with example. Sometimes uh, PL SQL function with example or sometimes it may come for a bigger question like discuss sub program in PL SQL. So let's start. So first of all I would like to discuss PL SQL program, sub program you can call. And students, uh, on the request of some of the students, we have kept bilingual this particular lecture bilingual which which may if I think that uh, English uh, is there but uh, if I need to use uh, Hindi also I would be using it right so uh, when it comes to sub programs ideally sub you all know that part of a program a component of a bigger program that is called sub right?

Anonymous block means it does not have any name associated with it. While when it comes to subprograms like uh, a procedure and function, it will have a name associated with it. That's why we call it named PL SQL block. It can be invoked or called from other part of PL SQL program. So any procedure or function. So any procedure or function can be called.

कॉलिंग जो होती, हो, होती है वो किसके थ्रू होती है वो पीएलसीक्वल प्रोग्राम के थ्रू होती है ठीक है ना पीएलसीक्वल क्या होता है वो आप आ, मेरे लेक्चर सीरीज में ही देख सकते हैं द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी शेयरिंग द लिंक सब प्रोग्राम्स इनकैप्सुलेट अब बात करते हैं व्हाट सब प्रोग्राम कैन इनकैप्सुलेट इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज एबल टू

अल्टीमेट गोल जो इसका है इट इज टू मॉड्यूलराइज मींस क्रिएटिंग स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल और मे बी बिगर मॉड्यूल एंड ऑफ योर कोड टू इंप्रूव कोड रियूजिलिटी रियूजिलिटी मतलब क्या है यदि आपने फंक्शन प्रोसीजर किसी कोड का फंक्शन और प्रोसीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया किसी ब्लॉक ऑफ कोड को ग्रुप ऑफ कोड को तो उसको आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं यूज करने का मतलब सिंपल हम उसको कॉल करेंगे यूजिंग अ पी एल सीक्वल प्रोग्राम राइट हम बात करते हैं पी एल के टाइप्स कितने होते हैं पी एल टाइप्स नॉट यू कैन से सब प्रोग्राम्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं तो एक प्रोसीजर होता है दूसरा टाइप जो है वो फंक्शन होता है हम आगे पढ़ते हैं देखते हैं इसमें क्या है हम बात करेंगे आज प्रोसीजर की सो पी एल प्रोसीजर है क्या पॉइंट नंबर वन हम देखते हैं एट इज सिंपल अ प्रोसीजर इज अब प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म अ टास्क सबको पता है प्रोसीजर और फंक्शन किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं जैसे आई कैन क्रिएट अ प्रोसीजर फॉर एडिंग टू नंबर आई कैन क्रिएट अ प्रोसीजर फॉर यू कैन से एक्सपोनशिएट समट अजर टू प्रिंटेबल ऑफ अंबर लाइक दैट सो

सपोज मुझे दो नंबर का सम चाहिए तो मुझे दो नंबर इनपुट देने पड़ेंगे सिमिलरली यदि मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे कुछ आउटपुट वेरिएबल भी देने पड़ेंगे और ये वेरिएबल्स को हम यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं जिनके थ्रू हम वैल्यू पास करते हैं या रिसीव करते हैं क्लियर तो पैरामीटर जो होते हैं वो वैल्यूज को पास करने के लिए या वैल्यूज को रिसीव करने के काम आते हैं अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की इट्स प्रोसीजर डोंट डायरेक्टली रिटर्न एनी वैल्यू तो प्रोसीजर के अंदर कोई डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता जैसे आपने सी प्रोग्राम वगैरह में देखा होगा वहां पे एक रिटर्न जीरो तो like अब हम बात करते हैं सिंटेक्स की सिंटेक्स यदि आपको पता है तभी कुछ भी यदि आपको करना है तो आपको उसका सिंटेक्स याद होना चाहिए सिंटेक्स इज नथिंग लाइक ए ग्रामर तो यहाँ पे प्रोसीजर यदि आपको बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर की है क्रिएट रिप्लेस प्रोसीजर सारे की हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते और फिर ये बात आती है यहाँ पे नेम ऑफ प्रोसीजर आपका आ जाता है तो प्रोसीजर का नेम ले लीजिए और ये यहां से हम लोग क्या करते हैं पैरामीटर पास करते फंक्शन को जिसपे फंक्शन वॉक करता है तो ये पैरामीटर वन उसका डेटा टाइप और ये डिफरेंट एक पैरामीटर इन तीनों में से किसी एक टाइप का हो सकता है जिसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरा पैरामीटर टू इसके भी इन तीनों में से कोई एक टाइप होगा और उसका डेटा टाइप और इज जो है वो यदि कभी आपको कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना हो फॉर स्टोरिंग आउटपुट ऑफ द प्रोसीजर यू नीड टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल ओवर हियर एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा राइट right? तो यहां पे आपने देखा इन पर... तो एक पैरामीटर को डिस्कस करने के लिए क्या-क्या चाहिए होगा? पैरामीटर का, का पी टाइप पैरामीटर टाइप चाहिए होगा और उसका डेटा टाइप चाहिए होगा ठीक है ये तीन चीजें रिक्वायर्ड है ठीक है जी अब पी टाइप में क्या है या तो वो इन होगा या आउट होगा या इन आउट होगा तो तीन टाइप के पैरामीटर हो सकते हैं इसके बाद आप देखिए ये स्टेटमेंट है यहां से बिगिन करते हैं ये आपके ब्लॉक ऑफ कोड आ गए चाहे वो सिक्वल हो चाहे पीएस सिक्वल हो और किसी भी प्रोसीजर का आपका एंड आ सकता है तो यहां आप देखेंगे आपको प्रोसीजर का एंड हो गया अब आगे चलते हैं और उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो पैरामीटर अभी आपसे हमने डिस्कस किए उनके बारे में थोड़ा समझते हैं तो एक प्रोसीजर के अंदर तीन टाइप के पैरामीटर पास किए जा सकते हैं जैसे नंबर वन इज इन पैरामीटर नंबर टू इज आउट नंबर थर्ड इज इन आउट पैरामीटर सो दीज आर द्री टाइप्स ऑफ पैरामीटर दैट कैन बी यूज इन अल एसक्यू एल प्रोसीजर राइट डिटेल देखते हैं इन फर्स्ट पैरामीटर टाइप इज इन पैरामीटर तो इन पैरामीटर के बारे में डिटेल डिस्कस क्या है पॉइंट नंबर वन से इन पैरामीटर इज यूज टू पास वैल्यूज इन टू द प्रोसीजर तो जब कभी भी आपको केवल किसी भी प्रोसीजर के अंदर कोई वैल्यू पास करनी जैसे मैंने बोला कि सम ऑफ टू नंबर मुझे चाहिए मुझे एक प्रोसीजर क्रिएट करना जिसमें सम ऑफ टू नंबर चाहिए तो मुझे दो पैरामीटर पास करने होंगे और वो पैरामीटर क्या होंगे इन टाइप के पैरामीटर होते हैं और यदि आप किसी भी पैरामीटर के साथ कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट जो है सारे पैरामीटर इन टाइप के होते हैं तो ये जो इन है ना यदि सपोज करो कि आप पैरामीटर का नाम ले लिया आपने यहां पे उसका डेटा टाइप और यहां पे कुछ भी डिस्कस नहीं किया डिक्लेयर नहीं किया या राइट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो इन पैरामीटर होता है राइट अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू से इसका मतलब पैरामीटर की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते तो यहां क्लियरली लिखे ने रिटेन दिट इज मीनिंग ऑफ देयर वैल्यूज दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड इसका मीनिंग यही है कि किसी भी इन पैरामीटर की वैल्यू को आप चेंज या अपडेट नहीं कर सकते तो ये रीड वनली फॉर्म में होता है ये भी आपको याद रखना है तभी आप इसका बेटर यूज कर पाएंगे इन पैरामीटर आर टिपिकली यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट वैल्यूज टू द प्रोसीजर तो ये भी वही बात हो गई कि जब कभी भी आप किसी भी प्रोसीजर के अंदर कोई इनपुट देना हो तो आप क्या कर सकते हैं इन पैरामीटर यूज करेंगे सिंपल है और जो कीवर्ड यूज होता है किसी भी पैरामीटर को इन टाइप बनाने के लिए उस वो है इन इन यूज करके किसी भी पैरामीटर को आप इन टाइप का बना सकते हैं तो ये आपका सिंटेक्स हो गया प्रोसीजर का जिसमें आप एक कुछ पैरामीटर्स को इन टाइप का ले रहे हैं तो ये देखिए ये पैरामीटर वन है इसका टाइप इन है इसका डेटा टाइप जो भी आप चाहिए पैरामीटर टू है ये भी इन टाइप का है और इसका डेटा टाइप इसके बाद ई जाता है इसके बाद कोई आप यदि लोकल वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप बना सकते हैं यहाँ पे ये बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीजर हो गया ये एंड ऑफ द प्रोसीजर हो गया राइट तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं राइट अब जरा आगे चलते हैं और एक एक एग्जाम्पल देखते हैं इन पैरामीटर के। तो इन पैरामीटर की एग्जाम्पल्स में यदि आप देखिए सो so, इन पैरामीटर की एग्जाम्पल्स में देखिए आप यह है प्रोसीजर विद इन पैरामीटर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है हमने क्रिएट और रिप्लेस एज इट इज़ लिखा प्रोसीजर लिखा चूंकि हम प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं ये प्रोसीजर का नाम हो गया ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया ये उसका टाइप हो गया जैसे इन आउट इन आउट तो हमने इन लिया यहाँ पे ये यह नंबर उसका डेटा टाइप हो गया बी सेकेंड पैरामीटर सेकेंड उसका टाइप थर्ड उसका डेटा टाइप इज सी सी ए आपका एक लोकल वेरिएबल बन गया आपको मैंने बताया था ये आपका एक लोकल वेरिएबल है इसका यूज आपको अभी समझ में आ जाएगा तो आपने बिगिन किया जो भी वैल्यू आपको यहां से आई उसको आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट uh, के थ्रू एग्जीक्यूट किया रिजल्ट में कन्वर्ट किया तो सपोज करिए कि ए की वैल्यू ट्वेंटी थी बी की वैल्यू टेन थी तो यहां ए ट्वेंटी आ गया माइनस बी टेन हो गया जो भी रिजल्ट आया वो आपका सी के अंदर टेन स्टोर हो गया क्लियर है और ये जो आप देख रहे हैं कोलन इक्वल टू तो किसी भी सपोज करो मैंने एक एक वेरिएबल लिया ए इसकी वैल्यू मुझे 50 असाइन करनी तो मैं कोलन इक्वल टू यूज करूंगा जबकि सी के अंदर केवल ये हम यूज करते थे राइट बट पीएल सीक्वल में हम कोलन और इक्वल टू एक्ट लाइज लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है आप समझ गए होंगे अब आती है रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए सबको पता है एक आउटपुट पैकेज है डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट अंडर स्कोर लाइन आपको लिखना है ए की वैल्यू सपोज जैसे हमने इधर लिया था रुकिए जरा इसको क्लीन करते हैं क्लीन कर दिया अब हमने अब सपोज करिए ए की वैल्यू ट्वेंटी थी ए की वैल्यू ट्वेंटी थी बी की वैल्यू टेन थी और C का रिजल्ट में आपका टेन ही आएगा सबको पता है तो यहाँ ट्वेंटी प्रिंट होगा फिर ये पाइप साइन यूज हुआ ये इसको और इसको क्लब करने के लिए काम आता है इसके बाद ये हाइफन प्रिंट होगा हाइफन को माइनस की तरीके स्ट्रेट करके बी की वैल्यू टेन हो गई इज उसके बाद प्रिंट होगा और उसके बाद सी की वैल्यू जो है वो टेन हो गई सी की वैल्यू जो है वो इज टेन तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा क्लियर है और ये आपका हो गया एंड एंड ऑफ द प्रोसीजर उसके बाद प्रोसीजर का नाम लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी प्रोसीजर को एंड करना है तो एंड कीवर्ड के साथ प्रोसीजर का नाम आपको मेंशन करना होगा और ये सेमिकॉलन हो गया अब बात आते करते हैं सपोज करिए आपका प्रोसीजर क्रिएट हो गया अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा जब मैं आ, ये सेशन ओवर हो जाएगा तो प्रोसीजर और फंक्शन पे मैं आपको एक हैंड्स ऑन दिखाऊंगा हैंड्स ऑन का मतलब इसको मैं रन करके एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो अभी तो हम थेरेटिकल पार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं फिर इसका हम प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करेंगे वो आपका आएगा हैंड्स ऑन ऑन प्रोसीजर एंड फंक्शन करके आएगा तो सपोज uh, करिए आपने प्रोसीजर क्रिएट कर लिया क्रिएट करने के बाद उसको यूज करना चाहते हैं तो ये आपका सिंपल प्रोविजन है ये आप देखिए एग्जीक्यूट स्टेटमेंट यूज करेंगे प्रोसीजर का नाम देंगे ये फर्स्ट पैरामीटर या सेकेंड पैरामीटर आप जैसे कोई और पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो आप लिखेंगे एस प्रॉम्प्ट है आपका यहाँ आप लिख रहे हैं एग्जीक्यूट और यहाँ पे पी माइनस आपके प्रोसीजर का नाम है और यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट पैरामीटर टेन है सेकेंड पैरामीटर टू है ये आपका सेमी कॉलन हो गया यहीं पे आप एंटर कर दीजिए और आपको रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा ट्वेंटी माइनस टेन इज टेन ऐसे करके आपका रिजल्ट आएगा इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के एग्जीक्यूट होने के बाद ठीक है अब हम लोग आगे चलते हैं और इसमें समझते हैं आउट पैरामीटर क्या होता है तो जैसे नेम सजेस्ट करता है सपोज करिए अभी जैसे आपने पीछे में आपको दिखाता हूं यहां आपने जो भी आउटपुट था उसको आपने प्रोसीजर के अंदर ही प्रिंट कर लिया ठीक है तो आपको इसको आउट वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन आप चाहते हैं कि प्रोसीजर के बाहर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूं तो आपको आउट पैरामीटर लेना पड़ेगा तो देखिए क्या होता आउट पैरामीटर उट पैरास आर यूज रिटर्न यदि आपको प्रोसीजर के थ्रू कोई भी रिटर्न, तो रिटर्न स्टेटमेंट तो होता ही नहीं है प्रोसीजर के अंदर होता क्या है वो होता है आउट पैरामीटर का एक प्रोविजन है जिसके थ्रू एक ही नहीं आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं इनडायरेक्ट वे है वैल्यूज को रिटर्न करना हेल्प ऑफ आउट पैरामीटर इसका मतलब यदि आपको एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करानी है तो आप प्रोसीजर यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ फंक्शन एंड वो मल्टीपल आउटपुट कैसे होगा वो हेल्प ऑफ मल्टीपल आउटपुट पैरामीटर के थ्रू होगा ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यदि नहीं होगा तो इसको आप रिपीट करके सुन लेना आपको समझ में आ जाएगा फिर दीज पैरामीटर्स आर रीड ओनली विद इन द प्रोसीजर तो आउट पैरामीटर जो है वो प्रोसीजर के अंदर कभी भी मॉडिफाई नहीं किए जा सकते सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर टू दीच पैरामीटर आर राइट ओनली विद इन द प्रोसीजर तो प्रोसीजर के अंदर आप इस पर कुछ प्रोसीजर के अंदर इन पैरामीटर्स को कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन प्रोसीजर के बाहर आप इसको चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब क्या हुआ मीनिंग दैट देयर इनिशियल वैल्यूज आर इग्नोर्ड एंड दे मस्ट बी असाइंड वैल्यू विद इन द प्रोसीजर इसका मतलब आउट पैरामीटर की वैल्यू केवल प्रोसीजर के अंदर ही चेंज की जा सकती है कैन बी चेंज ठीक है विद इन प्रोसीजर उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते आप तो आउट पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करने की जो परमिशन है वो केवल प्रोसीजर के अंदर है तो आप समझ गए होंगे पॉइंट 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 नंबर 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 अब डिस्कस करते हैं आउट पैरामीटर आर टिपिकली यू नीड टू तो रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम दी प्रोसीजर वन वैल्यू रिटर्न करना तो आप फंक्शन ले लीजिए एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करना तो फंक्शन से काम चलेगा नहीं क्योंकि फंक्शन केवल एक ही वैल्यू रिटर्न करता है इन वन को तो एक और भी एडवांटेज आपका प्रोसीजर का हो गया वेन एवर यू नीड टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू यू विल बी यूजिंग आउट पैरामीटर एंड यू कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम द प्रोसीजर और इसका कीवर्ड क्या है इट्स कीवर्ड इज वेरी सिंपल इट इज आउट ठीक है जी अब इसको जरा हम क्लीन कर देते हैं क्लीन करने के बाद आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट क्या कहता है प्रोसीजर विद आउट पैरामीटर मस्ट बी कॉल्ड विद इन दी PLSQL उट पैरामीटर राइट तो आप एग्जीक्यूट के थ्रू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उसको यूज नहीं कर सकते उसके लिए आपको पीएल ब्लॉक लिखना पड़ेगा उसी के अंदर ही आप आउट पैरामीटर वाले किसी भी प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं जबकि प्रोसीजर विद इन पैरामीटर कैन बी कॉल्ड ंग एग्जीक्यूट स्टेटमेंट तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू नीड टू नो अब यह आपका सिंटेक्स हो गया कोई प्रोसीजर आपको क्रिएट करना है वहां पर आपको कोई आउट पैरामीटर चाहिए तो इट इज सिंपल क्रिएट रिप्लेस और रिप्लेस प्रोसीजर प्रोसीजर नेम पैरामीटर वन टाइप आउट हो गया ये उसका टाइप जो भी डिसाइड करना है पैरामीटर टू आ गया ये आउट पैरामीटर हुआ इसका डेटा टाइप हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों पैरामीटर जो है वो आउट टाइप के हैं इसके बाद कोई लोकल वेरिएबल यदि आपको डिक्लेयर करना है तो आप कर सकते हैं और ये बिगिन और एंड हो गया एक चीज ध्यान रखेंगे एंड के साथ साथ आपको प्रोसीजर का नेम लिखना जरूरी है प्रोसीजर नेम आप लिखेंगे उसके बाद ही सेमी कॉलम लगाएंगे ये चीज ध्यान रखिए आप लोग चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये एक प्रोग्राम uh, है और यू कैन से प्रोसीजर है जिसमें हमने आउट पैरामीटर यूज किया लेट्स लेट सी ये क्या करने जा रहा है लेट सी क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम है पी पी फॉर प्रोसीजर डी डी आई वी इज फॉर डिवीजन एंड आउट अंडरस्कोर आउट का मतलब आउट पैरामीटर इसके अंदर है लिए इस तरीके से इसका नाम लिखा हुआ है जिससे आप प्रोसीजर का पर्पस समझ जाए और उसके पैरामीटर टाइप समझ जाए तो जरा देखिए यहां पे, जरा एक मिनट दाइलाइटर एंड फर्दर आई एम टेकिंग कलर कलर ब्लू ठीक है अब जरा देखते हैं तो हमने बात की ए ए क्या है नंबर टाइप है इसमें आपने स्पेशल देखा होगा इसके अंदर कोई टाइप डिस्कस नहीं है अदरवाइज क्या होता है पैरामीटर uh, का नेम होता है उसके बाद उसका टाइप होता है फिर उसका डेटा टाइप होता है ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी पैरामीटर को डेटा टाइप ठीक है किसी भी पैरामीटर को डिक्लेयर करने के लिए या यूज करने के लिए यहां पे आइडली कुछ लिखा होना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब डिफॉल्ट क्या हुआ समझ गए होंगे अब डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा है तो इन होगा इसका इसका मतलब ए इन टाइप का है बी बी इन टाइप का है इन पैरामीटर और सी हमारा आउट टाइप का पैरामीटर है ठीक है तो अब जरा देखिए इस इसके साथ साथ हमें किसी लोकल वेरिएबल की जरूरत नहीं है ठीक है इसलिए हमने इसके बाद कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया बिगिन किया अब ये क्या कह रहा है यदि B is not equal to zero. उस केस में क्या करेंगे हम यदि क्योंकि जनरली ऑब्लिक बी होता है ए डिवाइड बाई बी ए डिवाइड बाई बी तो बी को नॉन जीरो होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए ठीक है तो ये चेक कर रहा है यदि बी जीरो के बराबर नहीं है तब तो डिवीजन होगा यदि है तो सी की वैल्यू माइनस वन रिटर्न की जाएगी ठीक है ना तो यहां आपने देखा ये जो सी है ये जो सी आपको मिल रहा है वो किस टाइप का पैरामीटर आउट पैरामीटर है ठीक है और ये पी पी डी आई भी अंडर स्कोर आउट आपका प्रोसीजर का एंड हो गया ये आपके प्रोसीजर का एंड हो गया ठीक है जी तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे एक प्रोसीजर है जो जो डिवीजन परफॉर्म करती है उसका नाम ये है ये ए और बी दोनों इन टाइप के पैरामीटर हैं इसका मतलब ए और बी के थ्रू हम वैल्यूज को पास करेंगे और सी के वैल्यू थ्रू हम वैल्यूज को रिसीव करेंगे लॉजिक यहाँ पे ये है बी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तभी आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे अदरवाइज नहीं अदरवाइज फिर माइनस वन की वैल्यू रिटर्न करा देंगे अब जरा आगे देखते हैं ये है पीएल इक्वल ब्लॉक जिसके जिसमें हम क्या करेंगे एक प्रोसीजर जो जिसमें एक आउट पैरामीटर उसको कॉल करेंगे और आप सबको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर भी मतलब प्रोसीजर विद आउट पैरामीटर है ना पैरामीटर कैन बी कॉर्ड कैन बी कॉर्ड यूजिंग वॉट पी एल स्क्यूअल ब्लॉक ओनली ठीक है जी समझ में आ गया होगा आपको तो ये जो ब्लॉक है वो पी अंडरस्कोर डीआईवी अंडरस्कोर आउटपुट पी डी आईवी अंडरस्कोर आउटपुट को कॉल करने के लिए है तो ये जो अभी आपने ये वाला प्रोसीजर बनाया उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं पीएल सीक्वल ब्लॉक के थ्रू क्यों कॉल कर रहे हैं पीएल सीक्वल ब्लॉक के थ्रू क्योंकि इस प्रोसीजर में एक आउट पैरामीटर यूज हुआ पड़ा है अब जरा देखिए फर्स्ट पॉइंट डिक्लेयर तो सबको सोन में आ गया होगा ए एक वेरिएबल है इसका डेटा टाइप नंबर है कोलन इक्वल टू यूज होता है असाइनमेंट के लिए कई बार मैं बता तो, बता चुका हूं असाइनमेंट के लिए यूज होता है क्या कोलन इक्वल टू यूज होता है एंड ए बेसिकली आपसे पूछता है एंटर दी वैल्यू यदि आप लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा और साथ साथ फॉर ए तो ये पूछेगा जब ये रन होगा तो ये पूछेगा एंटर वैल्यू फॉर ए सिमिलरली ये पूछेगा एंटर वैल्यू फॉर बी तो जो भी आप वैल्यू आप देंगे वो ए और बी को असाइन हो जाएगा फिर आप बिगिन स्टेटमेंट में आएंगे बिगिन स्टेटमेंट में आने के बाद ये आपके प्रोसीजर का नाम है और ये उसके पैरामीटर हैं तो ए बी ये दोनों किस टाइप के पैरामीटर है ये इन टाइप के पैरामीटर हैं सी आपका आउट पैरामीटर है सी कैसा पैरामीटर है आउट पैरामीटर है अभी देखिए आपने ए और बी के थ्रू वैल्यू पास करी और प्रिंट क्या करा रहे हो इसी ब्लॉक में प्रिंट करा रहे हो किस ब्लॉक में पीएलसी इक्वल ब्लॉक के अंदर वैल्यू प्रिंट करा रहे हो ठीक है तो ये पॉसिबल कैसे हुआ जो भी ए और बी का प्लस सॉरी डिवीजन होकर के जो रिजल्ट सी में स्टोर हुआ प्रोसीजर के थ्रू वो यहां आके प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो डीवीएमएस आउटपुट डीवीएस अंडरस्कोर आउटपुट आउटपुट अंडर लाइन डिवाइड इक्वल टू सी या आप कह सकते हैं इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं रिजल्ट ऑफ डिवीजन है ना ऐसे आप लिख लीजिए इक्वल टू सी सी का जो भी आपका आउटपुट होगा वो आ जाएगा सी का जो भी आउटपुट होगा वो यहां पे आ जाएगा तो आई थिंक ये चीजें आपको हैंड्स ऑन वाले वीडियोस में आप बहुत अच्छी तरीके से इसको करके भी देख लेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा हम बात करते हैं इन आउट पैरामीटर की राइट right? तो ये थर्ड और लास्ट टाइप का पैरामीटर दैट इज कॉल्ड इन आउट पैरामीटर तो यहां देखिए इन आउट इन और आउट के बीच में थोड़ा गैप होगा यहाँ पे गैप एरर है तो ये आप इसको ठीक से समझिएगा इन और आउट इस तरीके से अलग अलग लिखना होगा जहां कहीं भी यूज करेंगे तो इन आउट पैरामीटर आर यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट तो इसका मतलब क्या हुआ इसके अंदर इन और आउट दोनों फीचर होंगे क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इससे आप वैल्यू इनपुट भी करा सकते हैं वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हो अब वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है पॉइंट नंबर टू में कि दीज पैरामीटर्स कैन बी बोथ रीड फ्रॉम और रिटर्न टू इसका मतलब आप वैल्यूज रीड कर सकते हैं यहां से और इसमें वैल्यू लिख भी सकते हैं तो इन एंड आउट दोनों काम इससे हो जाएगा इन आउट पैरामीटर आर टिपिकली यूज वेन वी नीड टू पास वैल्यू इन टू द प्रोसीजर एंड मॉडिफाइड रिटर्न द मॉडिफाइड वैल्यू इसका मतलब क्या हुआ पहले आप क्या करेंगे आ, पहले आप क्या करेंगे यहां पे वैल्यूज को इन कराएंगे इसके बाद ये वैल्यू रीड होएगी ठीक है फिर प्रोसेस होएगी प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो इसी वेरिएबल के अंदर फिर से पुट कर दी जाएगी ठीक है इस तरीके से यह काम आपका होना है तो यही इन्होंने बोला कि वैल्यू पहले आपने पास कराई पास कराने के बाद मॉडिफाई किया उसको उसके बाद उसको रिटर्न कराया जो मॉडिफाइड वैल्यू है सपोज करिए कि आप ये एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू टेन है इसको आपने क्या कराया किसी प्रोसीजर के अंदर पास कराया पास करने के बाद ए इक्वल टू ए प्लस टेन कर दिया इसका मतलब क्या हुआ ए पहले क्या था दस था इधर भी दस प्लस दस टेन टेन तो एक, अब मॉडिफाई क्या हो गया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई ट्वेंटी हो गई तो अब जब आप इसको इस वैल्यू को दोबारा रीड करेंगे तो आपको ट्वेंटी मिलेगा तो आपने एक वैल्यू रीड कराई रीड कराने के बाद उसमें कुछ प्लस माइनस किया प्लस माइनस करने के बाद आपने रिटर्न करा दिया इट इज लाइक दैट इसके बाद बात करते हैं द दे आर डिक्लेयर्ड विद इन विद द कीवर्ड इन एंड आउट तो इन एंड आउट कीवर्ड यूज होता है बट ध्यान रखिएगा इन एंड आउट ऐसे होते हैं ठीक है ना इन और आउट के बीच में गैप रखना है मैं थोड़ा सा ही चेंज कर देता हूं ये मैंने थोड़ा चेंज भी कर दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो टाइपो एरर था इसको मैंने करेक्ट कर लिया ठीक है तो हमने इन आउट डिस्कस कर लिया अब हम एक प्रोसीजर देखते हैं जिसमें इन एंड आउट का यूज़ हुआ पड़ा है इसमें भी वही थोड़ा सा एरर था टाइपो तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं इन आउट यहाँ भी हमने इन आउट कर लिया ठीक है अब हम इसको डिस्प्ले करा दें तो ये आपका इन आउट प्रोसीजर इन आउट पैरामीटर के साथ किसी प्रोसीजर को यदि आपको बनाना है तो इट्स वेरी वेरी सिंपल यहाँ देखिए क्रिएट रिप्लेस प्रोसीजर का नेम प्रोसीजर नेम आपका आ गया जो भी आप चाहते हैं पैरामीटर वन आउट टाइप का उसका डेटा टाइप पैरामीटर टू किस टाइप इन आउट टाइप का and uh, this is its data type and after is you can declare any local variable this is the begin and end or we say end kya procedure name or procedure name likhte and semicolon. semicolon procedure ki definition Now end we are going to discuss uh, the in out parameter syntax so it is simple it is same as in and out type but difference kya in out इन और आउट अलग अलग की जगह हम एक साथ इन आउट लिखते हैं और ये बिगिन हो गया ये एंड हो गया तो ये आपका प्रोसीजर हुई विद आउट पैरामीटर अब ये आपका एग्जाम्पल है जिसमें हमने इन आउट पैरामीटर यूज़ किया है राइट तो यहाँ हम देखिए क्रिएट और रिप्लेस सेम प्रोसीजर प्रोसीजर का नेम आ गया ये फर्स्ट पैरामीटर इन आउट टाइप का सेकेंड पैरामीटर इन आउट टाइप का ये आपका थर्ड पैरामीटर है वो भी इन आउट टाइप का ये बिगिन किया ए और बी को मल्टीप्लाई किया रिजल्ट सी में डाल दिया जबकि सी किस टाइप का पैरामीटर है ये आउट पैरामीटर मतलब सी के थ्रू With the help of C, we are able to return result without any return statement. clear अब एक और point है कि जब आप किसी भी procedure जो in-out parameter के साथ create हुई है, उसको use करने के लिए, or you can say run करने के लिए, or you can say execute करने के लिए। So now we'll learn how to call a procedure with in-out parameter, right? So यहाँ आपने क्या देखा? यहाँ आपने देखा ये एक एक नंबर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया उसको इनिसलाइज कर दिया ट्वेंटी से दूसरा बी वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको इनिसलाइज़ किया टेन से सी में चूंकि रिजल्ट लेना है इसलिए हमने इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करी फिर ए और बी सी के तीनों को पास किया इस पी मल्टीप्लाई प्रोसीजर को और रिजल्ट हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं सी का तो सी का रिजल्ट कहाँ से आएगा ये आप देख लीजिए यहाँ से सी का रिजल्ट कहाँ से आएगा ये देखिए ए और बी की वैल्यू तो अभी जो आपने ए और बी पास किया एक यहां से दूसरा यहाँ से तीसरे में हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी और फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका ए इंटू बी हुआ और ये वैल्यू सी में चली गई और यही वैल्यू आपको आउट पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगी यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से जब आप वैल्यू पास करते हैं तो प्रोसीजर को जाती है प्रोसीजर जो वैल्यू आउट पैरामीटर के थ्रू रिटर्न होता है वो आपको यहाँ आके रिसीव हो जाती है यहाँ पे आके ठीक है तो ये आपका हो गया अब ये आपके कुछ एग्जांपल्स डिफरेंसेस हैं इन आउट पैरामीटर की जो हमने आपको पहले भी डिस्कस कर लिए और इसमें लिखा हुआ कि ये डिफॉल्ट जो आपका पैरामीटर होता है वो इन टाइप का होता है इसमें आउट को स्पेसिफाई करना पड़ता है किसी पैरामीटर को आउट बनाना है और इन आउट को भी आपको स्पेसिफाई करना है ठीक है इसके थ्रू आप वैल्यू को सब प्रोग्राम में पास करते हैं इसके थ्रू आप वैल्यू को रिटर्न कराते हैं इसके थ्रू आप वैल्यू पास भी करते हैं और रिटर्न भी कराते हैं ये जो वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर की है ये कांस्टेंट की तरह से काम करती है इसका मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते और ये जो वेरिएबल है ये अनइनिशियलाइज वेरिएबल की तरीके से काम करता है और ये भी पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर की तरह एक्ट करता है ये एक इनिशियलाइज वैल्यू की तरह काम करता है और जिसके थ्रू और ये फॉर्मल पैरामीटर भी है एक के भी फॉर्मल सारे फॉर्मल पैरामीटर ही हैं और एक की तरह काम करता है जबकि ये आउट जो है वो अन इनिशलाइज वैल्यू की तरह मतलब जिसकी कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है ठीक है ना और इनिशलाइज मतलब उसकी कोई इनिशियल वैल्यू है सपोज करो रोटेन है कुछ इनिशियल वैल्यू आप दे सकते हैं फॉर्मल पैरामीटर कैन नॉट बी असाइंड वैल्यू तो फॉर्मल पैरामीटर यदि इन टाइप का है तो आप उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं. और ये जो आउट पैरामीटर है ये कभी एक्सप्रेशन में यूज नहीं होता मतलब आप ऐसे नहीं यूज कर सकते कि ए ए इन टू बी ऐसे यूज नहीं कर सकते

फॉर्मल कहलाते हैं लेकिन जब फंक्शन कॉल के टाइम पे जो वैल्यू आप पास करते हैं या पैरामीटर पास करते हैं तो वो एक्चुअल कहलाते हैं क्लियर है तो इसको एक बार और समझा दूं फॉर्मल और एक्चुअल चलिए आप देखो यहां पे यहां देखिए यहां पे ए एक्चुअल है बी भी एक्चुअल पैरामीटर है ये बी एक्चुअल बट यहां पे जब इसी पैरामीटर को मैं यहां डिक्लेयर कर रहा हूं यहां डिक्लेयर कर रहा हूं यहां डिक्लेयर कर रहा हूं तो इनको हम लोग बोलते हैं ये सारे फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं क्योंकि पैरामीटर इनको भी पैरामीटर बोलते हैं उनको भी पैरामीटर बोलते हैं तो इसका मतलब जब किसी प्रोसीजर को आप डिक्लेयर किसी प्रोसीजर को जब आप क्रिएट करते हो बिल्ड करते हो बनाते हो उसकी डिफिनिशन को डिफाइन करते हो है ना तो उस समय जितने भी पैरामीटर हैं वो सारे फॉर्मल कहलाते हैं लेकिन जब जब आप किसी प्रोसीजर को कॉल करते हो कॉलिंग के टाइम पे जितने भी पैरामीटर ये यूज हुए ए बी सी ये सारे क्या हैं? ये आइडियली एक्चुअल पैरामीटर हैं। एक्चुअल पैरामीटर ठीक है तो अब आपको मीनिंग समझ में आ गई एक्चुअल कौन फॉर्मल कौन अब हम आगे चलते हैं कुछ नोट्स हैं जो प्रोसीजर यूज करने के साथ आपको ध्यान रखना है क्या है नोट दैट व्हेन कॉलिंग अ प्रोसीजर यू नीड टू पास पैरामीटर इन द सेम ऑर्डर एज दे आर डिफाइंड इन डिक्लेरेशन। इसका मतलब सपोज करो फर्स्ट पैरामीटर इन टाइप का है दूसरा आउट टाइप का है तीसरा इन आउट टाइप का है ठीक है तो जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि पहले आउट वाला ले लीजिए फिर इन वाला कर दीजिए फिर इन आउट वाला ले, ले लीजिए नहीं इसका मतलब जिस ऑर्डर में आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसी ऑर्डर में आप उनको कॉल भी करेंगे फॉर आउट एंड इन आउट पैरामीटर यू मस्ट प्रोवाइड वेरिएबल प्लेसहोल्डर टू स्टोर रिटर्न और मॉडिफाइड वैल्यू तो ऐसी कंडीशन में जब कभी भी आप कोई भी आउट पैरामीटर है या इनआउट पैरामीटर है उनकी वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल चाहिए तभी वो वैल्यू होल्ड हो पाएंगी वहां पे या रिटर्न हो पाएंगी बाय यूजिंग दीज पैरामीटर टाइप्स इफेक्टिवली यू कैन क्रिएट फ्लैक्सिबल एंड रीयूजल प्रोसीजर यह टू मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप ये सब सारे पैरामीटर टाइप को इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बेस्ट और बेटर यू कैन से प्रोसीजर बना सकते हैं है ना इससे क्या होगा कोड री बढ़ जाएगी री यूजेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज फंक्शन तो फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट रिटर्न्स अ वैल्यू क्लियर है फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम दैट रिटर्न्स अ वैल्यू

एक फंक्शन में कोई वैल्यू कोई पैरामीटर नहीं हो सकता है एक से ज्यादा पैरामीटर हो सकते हैं और इन सारे पैरामीटर का अल्टीमेट पर्पज है कि टू टू पास वैल्यू फंक्शन। और ये इसका रहा क्रिएट और रिप्लेस क्या बनाने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू क्रिएट फंक्शन देन यू नीड टू स्पेसिफाई फंक्शन नेम पैरामीटर वन डेटा टाइप पैरामीटर टू डेटा टाइप एंड सो ऑन और जो रिटर्न वेरिएबल होता रिटर्निंग वेरिएबल होता है वो यहां पे हम लोग रिटर्न रिटर्निंग वेरिएबल और उसका डेटा टाइप फिर इज लिखते हैं ठीक है ना तो ये रिटर्न की बड़ी होगा उसके बाद रिटर्निंग वेरिएबल नेम होगा और उसका डेटा टाइप होगा इज होगा डिक्लेरेशन सेक्शन आ गया पीएल सिक्वल कोड आ गया ये रिटर्न वैल्यू आ गई बात खत्म अब जरा इस पे एक प्रोसीजर को देखते हैं सॉरी एक फंक्शन देखते हैं तो एक पीएल सिक्वल फंक्शन है जो कैलकुलेट करता है फैक्टोरियल गिवन नंबर। तो रिप्लेस क्या फंक्शन फंक्शन का नाम फैक्टोरियल यहां इन नहीं होगा ठीक है दिस इज एन नंबर और रिटर्न क्या करेगा नंबर टाइप रिटर्न करेगा इज ये आपका डिक्लेरेशन सेक्शन आ गया क्या रिजल्ट किस टाइप का होगा नंबर टाइप का होगा बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू वन है तो इफ एन इज लेस देन इक्वल टू जीरो इस केस में हम लोग लो रिटर्न नल करेंगे और अदरवाइज विल यूज फॉर लूप आई इन एन डॉट डॉट एन उसके बाद लूप आ जाएगा ये आपका लूप यहाँ से बिगिन होगा यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा और रिजल्ट हमारा कैसे बन रहा है रिजल्ट इक्व टू रिजल्ट इनटू आई तो यदि आपने फाइव दिया तो क्या हो जाएगा तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन फिर ऐसे मल्टीप्लाई होते होते और फाइनली आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा और फाइनली आप रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे क्लियर है अब बात आती है किसी भी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं तो फंक्शन को दो तरीके से कॉल कर सकते हैं एक तो यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं दूसरा यूजिंग पीएल एसक्यूएल ब्लॉक के थ्रू कॉल कर सकते हैं तो यहाँ हमने एक एन वेरिएबल लिया उस नंबर टाइप है उसका वैल्यू फाइव दे दिया फैक्ट एक वेरिएबल लिया वो नंबर टाइप का है और अब ये हमने बिगिन किया और यहाँ हमने फैक्टोरियल को कॉल कर लिया फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर लिया और फैक्टोरियल पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी फैक्टोरियल आएगा वो फैक्ट में रिटर्न हो जाएगा DBMS output dot put underscore line Use karke factorial of n mathlab 5 is fact mathlab 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Jo bhi result aega, that is ideally see it here 120. Wo aapko mil right? So with this thank you so much for uh, watching this video. Please subscribe this channel and that will motivate me. प्रोसीजर एंड फंक्शन पे हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसमें पूरा कोडिंग कंपाइलेशन भी आप लर्न करेंगे और एग्जीक्यूशन भी देखेंगे एग्जीक्यूशन भी देखेंगे साथ साथ मॉडिफिकेशन भी देखेंगे किसका डेफिनेशंस का